हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फोकस न्यूज में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बगल की घंटी को भी दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे मशहूर गायक कुमार सानू के बारे में। कुमार सानू की पत्नियां और अफेयर के किस्से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, तो आइए जान लेते हैं कुमार सानू के बारे में। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में हुआ था, जो लोकप्रिय बंगाली गायक पशुपति भट्टाचार्य के बेटे थे। क्योंकि उनके पिता एक गायक और संगीतकार थे, इसलिए कुमार सानू कम उम्र में ही संगीत और गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुमार सानू अपने 90 और 2000 के दौर के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। कुमार सानू ने 1993 में एक ही दिन में 28 गाने गाकर रिकॉर्ड बना लिए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया। 2001 में 31 मार्च को गायक के सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुमार सानू दिवस घोषित किया गया। कुमार सानू को वर्ष 2009 में पद्मश्री का नागरिक सम्मान भी मिला। नदियम श्रवण द्वारा फिल्म आशिकी 1991 के लिए सानू को अवसर मिला, जिसने कुमार सानू को लंबे समय के लिए सुर्खियों में ला दिया और वह जल्द ही बॉलीवुड में सबसे अधिक मांग वाले गायक बन गए। कुमार सानू की दो शादियां हुई, पहला 80 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य के साथ और दूसरा सलोनी भट्टाचार्य के साथ। सानू की पहली शादी 1980 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य से हुई थी, लेकिन यह तलाक के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि सानू बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्री मीनाक्षी सिसाद के साथ शामिल थे। बता दें कि मीनाक्षी उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्हें सिंगर कुमार सानू एक तरफा प्यार करते थे। कई फिल्मों में सुपरहिट गाना गाने वाले कुमार सानू ने लाइफ में दो शादियां की है और इन दो शादियों से उनके 5 बच्चे, जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका निजी जीवन भी दिलचस्प था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में अलग अलग लड़कियां थीं। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी पहली शादी में क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ उस पर, और कैसे आगे बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि कुमार सानू और रीता दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे और सानू उन्हें मुंबई ले गए। जब वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए गई और शादी कर ली, इन दोनों से एक बेटा जेसी और उसके बाद 2 बेटे जीका और जॉन थे। उनका जीवन अच्छा था, उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था और उनका एक छोटा सा सुखी परिवार था। इस समय के दौरान कुमार सानू सफलता की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और उन्हें बहुत नाम और प्रसिद्धि मिल रही थी। यह 1993 में था जब सानू थोड़े समय के लिए जानी मानी अभिनेत्री कोनिका लाल के साथ जुड़ने में परेशान होने लगे। आगे बढ़ते हुए कुमार सानू ने खुद को मीनाक्षी सेसाद्री के प्रति अधिक आकर्षित पाया। मीनाक्षी की सुंदरता और उसके आकर्षण से कुमार सानू भाव विभोर थे। कुमार सानू और मीनाक्षी की पहली मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो में हुई थी। ये सब महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो के दौरान था, जो कि वे दोनों पहली बार मिले थे। फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब कोई बात बिगड़ जाए को मीनाक्षी पर फिल्माया गया था और इसे सानू ने गाया था। यह तब था जब वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक अपने संबंधों को लपेटे में रखा। 1993 में सानू की पत्नी रीता ने अपने सचिव द्वारा दिए गए सानू के साक्षात्कार के माध्यम से इस बात की भनक लग गई कि कुमार सानू में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा था, कुमार की कई गर्लफ्रेंड हैं और अब वह लोकप्रिय अभिनेत्री मीनाक्षी सेसाद्री को डेट कर रहे हैं। सामना करने पर कुमार ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन अतः उसके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक बदसूरत कानूनी दृश्य सामने आया। वर्ष 1994 में रीता के साथ उनका तलाक हो गया, जबकि उन्होंने अपने 3 बेटों को कस्टडी को बरकरार रखा था, जहां कुमार ने प्रति माह एक निश्चित गुजारा भत्ता देकर केवल अपने बच्चों के अधिकारों को हासिल किया था। इस दौरान कुमार सानू और मीनाक्षी के रिश्ते को
अप्रिय तलाक के आरोप के कारण परेशान होना पड़ा और बाद में कुमार सानू मीनाक्षी के साथ भी अलग हो गए। वे दोनों अपने जीवन में आगे बढ़े। मीनाक्षी ने 1995 में US बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी की और बॉलीवुड को छोड़ दिया। रीता और मीनाक्षी के बाद आखिरकार सानू ने बीकानेर की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से, जिनके परिवार का एक हिस्सा लंदन में भी रहता था, से शादी कर ली। वर्तमान में उनका अस्थायी निवास लंदन में है। अपने पिता की सबसे बड़ी बेटी के नक्शे कदम पर चलते हुए सैनन ने वर्ष 2014 में UK में अपना अंग्रेजी संगीत एल्बम भी जारी किया। ऐसा लगता है कि अंत में सानू को शांति मिली है और अपने छोटे से सुखी परिवार का आनंद लेते हुए एक स्थिर प्रेम जीवन बिता रहे हैं। हम उन्हें हमेशा और एक खुशहाल जीवन जीने की कामना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा आपको कुमार सानू से जुड़ी ये हर एक जानकारी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।